बहुत ही बढ़िया पहेली है और इसको बढ़ई की पहेली भी कहते हैं। मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है जो एक वर्ग है और एक त्रिकोण, यानी कुल मिलाकर डेढ़ वर्ग, और इसको हमें चार बराबर बराबर भागों में बांटना है। ऐसे भाग जो बिल्कुल ही बराबर हों और एक दूसरे के ऊपर टिक जाएं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो ये डेढ़ वर्ग लिया है, इसके पहले वर्ग को हम चार बराबर भागों में बांटेंगे। इसको बराबर भागों में बांटने के लिए हम बीच से मोड़ेंगे और फिर दोबारा दूसरी तरफ से मोड़ेंगे। तो अब ये हमारा वर्ग चार बराबर भागों में बट गया। इसी तरह से हम इस त्रिकोण को भी चार बराबर भागों में बांटेंगे। ये आधा त्रिकोण, और इसको जब बीच में से फिर से मोड़ा तो ये त्रिकोण भी चार बराबर भागों में बट गया। देखिए इस तरह, ये चार छोटे वर्ग और चार छोटे त्रिकोण। तो पहेली का उत्तर यही होगा कि हम ऐसी लाइन खींचें जो कि ये छोटे वर्ग और छोटे त्रिकोण को जोड़कर एक आकृति बन जाए। इस तरह से आप लाइनें बना लीजिए और देखिए ये बड़ा ट्रेपीजियम, जो बड़ी आकृति थी, वो चार बराबर भागों में बंट गई। पेंसिल से काट लीजिए। कैंची से काटने पर हमको चार ऐसे टुकड़े मिलेंगे जो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबरी से बैठ जाएं। तो यह हमारी पहेली का उत्तर। इसको हम एक अलग तरीके से जोड़ें इन चारों भागों को, तो एक बहुत ही बढ़िया पंचक्की भी बन जाती है। एक और ऐसी पहेली भी हो सकती है जिसके कि हम इन टुकड़ों को वापस से जोड़कर कैसे पुरानी आकृति को बना लें। तो देखिए किस प्रकार इन चारों आकृतियों को जोड़कर हमने ये पहली वाली आकृति बना दी। तो मजा लीजिए इस पहेली का।